बेस्ट है जी। अच्छा हम ना बेसिकली थोड़ा सा जैसे हमने पहले देखा है जावास्क्रिप्ट की थोड़ी टेक्निकलिटी को थोड़ा सा देखा है, अभी इतना हम डेप्थ में नहीं गए, ज़्यादा प्रोसेसिंग से डीलिंग किया। आज हमारा थोड़ा सा लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन था, चार लोग आए, दो मिसिंग है, तो उसकी उनकी वजह से मैं प्रॉपरली इसको कर नहीं सका। सही हो गया अच्छा क्योंकि दर्शन, जी जी ये 100% जरूरी है कि हम देन और कैच यूज करें अपनी लॉजिक में? नहीं, एसिंक का वेट बेसिकली देन कैच की जो मैसी देन कैच मतलब डीलिंग होती है ना, उसको कम करने के लिए एसिंक का वेट आया। ये ना एक चीज है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे मुझे व्हाइट बोर्ड पे लेने दें इसको। एक चीज आपने ना इंटरनेट पे पढ़नी है बेसिकली लाजमी तौर पे, वो ये है डिफरेंट ना हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ना जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन, ES7 वर्जन, तो बेसिकली होता है ECMAScript। इसके बारे में आपने ना देखना है कि ECMAScript क्या है, ठीक है, और मतलब जो JS के ES वर्जन है, ECMAScript या खाली इसको ECMAScript वर्जन कह ले, ये क्या है, और ये अभी तक ES8 9 मतलब इस तरह ये सीरीज चलती है, ES4 5 6। इसके अंदर आपने देखना है डिफरेंट मतलब जो वर्जियंस है ना उनके अंदर क्या क्या मतलब तब्दीलियां आई हैं। सही है, तो जी ठीक हो गया। आपको अंदाजा होगा कि पहले हमारे पास देन कैच वाली अप्रोच थी, और फिर इसी तरह बाद में अंदाजा होगा कि हमारे पास जैसे मान लो पहले पहले हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स थे, फिर हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स ऐड हुए। तो जो एडवांसमेंट हो रही है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर दिन ब दिन, या हमारे पास हर वर्जियन टू वर्जियन, ये बेसिकली अप्रोचेस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब जैसे मैंने उस दिन हम लोग पहले देखते थे कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डील करने के कुछ वेज थे, अब लेटेस्ट जो मैं आगे एक दो दिनों के अंदर अंदर एक नई वो ऑपरेटर शेयर करूँगा ना आपके साथ, वो होगा बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटर है स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे आपने कई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखा है अभी यहाँ पे, तो वो तीन डॉट्स लगा दी है उसने, वो पूरे को पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाती है। सही है, तो यहाँ पे मतलब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब टाइम टू टाइम एडवांसमेंट हो रही है, डिफरेंट वर्जन्स और ये आगे फ्रेमवर्क्स। सही है ना, तो अभी जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि हमारे पास, आप यहाँ पे ना मैं बोर्ड शेयर करूँगा तो आपने देखना आप एनोटेट कर पा रहे हैं, कोई एक भी देख लिया आप उसे ऊपर एनोटेट की कहीं पे ऑप्शन आ रही हो तो आप एनोटेट कर सकें। ठीक है, बेस्ट है। अब यहाँ पे ना ऊपर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपने ड्रॉ के अंदर से जाके ना कोई रेक्टेंगल सिलेक्ट कर ले, और यहाँ पे मेजर रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई टैब स्क्रीन है 7 इंचेस की, ठीक है जी। सही है, सही है जी ठीक ओके है। बेस्ट है। अब मैं कहता हूँ मान लो कि ऐसे भाई आप बता दें, चाहे चाहे शायद बता दें, चाहे मानूर बता दें, लेकिन पहले आपने बताना है कि कौन करने लगा है ये एनोटेट, तो फिर देन उसको स्टार्ट कर देना है। हम कहते हैं कि एक जो हमारे पास मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी मुल्क की गवर्नमेंट ज़्यादा, वो बेसिकली कहती है कि हम आज से फिजिकल वोटिंग का सिलसिला ख़त्म कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, डिजिटल वोटिंग सिस्टम होगा, जस्ट मतलब जो शहरी है उसको आना होगा, पोलिंग स्टेशन कहते हैं उसे जहाँ पे वोटिंग होती है, खैर वहाँ पे आना होगा, जो टर्मिनल है या जो प्लेस है जहाँ पे वोट का सिलसिला जारी है वहाँ पे आना होगा, वहाँ पे इन बिल्ट ना टैब्स 7 इंचेस के लगे हुए होंगे, ठीक है। वहाँ पे जस्ट आके उसने क्या करना है, CNIC नंबर एंटर करना होगा, खैर वो उस चीज़ को छोड़े CNIC नंबर को, या कह रहे हैं कि CNIC नंबर भी इसके अंदर ऐड है, शामिल है। अब जो मैं बताने लगा, क्या आप ख्याल करते हैं कि क्या उसका यूजर इंटरफेस होना चाहिए, अगर अगर गवर्नमेंट जो है ना वो ऐप डेवलपर्स को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देख रही है कंपनीज को, कि वो उनके लिए एक मतलब के एरर से पाक जो है ना एप्लीकेशन बनाए जिसके अंदर ये मामला ना रहे, कि बेसिकली कह लें कि आर्मी इस चीज को टैकल कर रही है कि जो है ना वो अच्छे वाले वोट हों, ये ना हो कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली कोई हेरा फेरी हो रही हो, ठीक है। तो क्या आपके नज़दीक उसका यूजर इंटरफेस होगा, एक एक बिल्कुल सिंपल सिंपल, और शहरियों ने आके वोट कास्ट करना है उसके लिए, कोड आप में से एनोटेट करके इस पर कोई थोड़ा सा मान लो कि प्रिंट टाइप या ब्लू प्रिंट टाइप थोड़ा सा यूजर इंटरफेस बना के बता सकते हैं। जैसे मैं अक्सर बनाता होता हूँ एक लाइन्स ड्रॉ करके कि ऐसे ऐसे इंटरफेस होगा, जैसे उस तरह उसको बेसिकली हम लोग इसके अंदर प्रोग्रामिंग मतलब इसमें डेवलपमेंट पे ना
ब्लूप्रिंट बोलते हैं आपका, यूजर इंटरफेस का ब्लूप्रिंट। इसमें क्या होता है, ये लाइंस के थ्रू, ये कौन है एहसन भाई, एहसन आप बताएंगे करेंगे इसको ड्रॉ? नहीं, अगर किसी और की विषय तो कोई और कर ले। नहीं, आप जस्ट आप बता देना मुझे ताकि एनोटेट में मैं साथ साथ आपसे हाँ, बात। आप एनोटेट आप कर लो, मैं बता देता नहीं हूँ। नहीं 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 मैं कह रहा हूँ आप मुझे जस्ट बताएं कि आप कर रहे हैं, देन आप जस्ट स्टार्ट। और यदि शाहिद आपने करना है या महानूर आप करेंगे इसको, विलिंग है? नहीं, आई थिंक पहले उन्होंने कहा तो वो ठीक स्टार्ट है, कर ले। शाहिद आप करना चाहेंगे? नहीं, उनको ही स्टार्ट नहीं, करने आई दो। वॉज एक्सपेक्टिंग द आंसर। नहीं, ओके ऐसा भाई आप करें। कोई कोई इंटरफेस जो खूबसूरत हो और आम शहरियों ने आके वोट कास्ट करना है, और एक टैब की स्क्रीन के मुताबिक कि आपके पास जो इसकी ओरिएंटेशन होगी, या जो कहले इसकी मतलब ये हॉरिजॉन्टल वे में इसके स्क्रीन को आपने, ये ऐसे ही होगा इन बिल्ड उनके बॉक्सेस के अंदर टैबलेट्स लगे होंगे। जस्ट शहरी ने आके अपना कहले कि आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और एक पिक्चर खुद ही खुद ही खींची जाएगी। आप उसके सिस्टम में ना जाएं, जस्ट इंटरफेस देखिए, ये वोट कास्टिंग का इंटरफेस होना चाहिए यहाँ पे। आप यहाँ पे ड्रॉ के अंदर डिफरेंट शेप्स और लाइंस को यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट के अंदर जाके टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके कलर्स और ये टेक्स्ट साइज में जाके देख सकते हैं। बट डोंट फोकस अपॉन दिस थिंग, दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। और आप कोई सा में सिंपल सा जस्ट आइडिया दे दें कि उसका कैसा इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है? और बाकी लोगों से भी इल्तमास है कि वो बोरिंग बोर हुए बगैर जरा फोकस करें, और कोई भी माइक अनम्यूट करके ना बाद में कह सकते हैं कि ये चीज़ प्यारी नहीं लग रही, ठीक है? तो अपना जो है ना वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा सही रखें। ठीक है नहीं यार, होगा कुछ इस तरह के, बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन होगी। जस्ट वो इस तरह से होगी कि फ्रंट स्क्रीन जो आएगी ना, वो बाय डिफॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन चल रही होगी ठीक जब है, तक यूजर एंटर नहीं होता, और उस स्प्लैश स्क्रीन में डिफरेंट पार्टीज के जो भी मोनोग्राम और लोगोज हैं वो सर्कुलेट कर रहे होंगे, लाइक पीपल पार्टी और फलां फलां फलां, पीटीआई, जो भी ये आपना उनके जो मेन भी। हमारे पास होम स्क्रीन जो मेजर एक देखे, आपने वहां पे एप्लीकेशन को रनिंग फेज में रखना है। आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे टैबलेट्स पे एप्लीकेशन चल रही होंगी, जैसे ये नहीं कि यूजर ने आके एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और वो एप्लीकेशन ओपन होगी, पहले इंटरनेट की फेचिंग करेगा, नहीं, वो एप्लीकेशन रनिंग में है। एक यूजर जब वोट कास्ट कर लेगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट यूजर के लिए वो स्क्रीन को लोड कर देगा जिसमें सीएनआईसी वगैरह। लेकिन एक स्क्रीन पे आपने सीएनआईसी का ऑप्शन भी रखनी है और वोट कास्टिंग की, मान लो आप दो तीन खुद ही अपने से कोई वोट की पार्टी बना लो, कैसे भी बना लो, जस्ट यहाँ पे लिख देना कि लोगो आएगा तो हमें पता लग जाएगा उस पार्टी का लोगो ना। तो इस तरह हमने जस्ट आइडिया लेना है कि आपके जेब पे कैसा लेआउट तैयार हो रहा है, सही है? तो हम वो नहीं डेप्थ में नहीं जा रहे ना कि जैसे स्प्लैश स्क्रीन और उस तरह, जस्ट एक सिंपल वन स्क्रीन एप्लीकेशन टैब्स में चल रही होगी, इसके ऊपर ही सारा कुछ है, ठीक है ओके, ऐसा? चलो ये कंसीडर कर लो कि सप्लाई स्क्रीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रंट स्क्रीन आती है उसमें ये होगा कि कुछ इंटरफेस होगा, जैसे भी बना होगा जो भी डेवलपर बनाता है जिस तरह भी, और फ्रंट स्क्रीन उसकी होगी बेसिकली कि यू आर डेवलपर, यू आर हाँ, डिजाइनर, यू आर हम डेवल, कैसे, तो हम आप डेवलपर, एनोटेट ठीक। करके, हम लोग जो है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मैं और महानूर हैं शायद हैं जो भी हैं, तो हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वी बेसिकली वाना सी कि आप कैसी अपने एप्लीकेशन पर आप देंगे, ठीक है? उसका इंटरफेस क्या होगा ना, अभी के लिए तो जैसे ये है, वो तो बाद में वो जो मतलब इंटेलिजेंस इदारे हैं वो इस एप्लीकेशन को अपने तरीके से चेक करेंगे कि इसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई, देन उसको लेके आएंगे प्रैक्टिकल में, लेकिन अभी हमने जस्ट डिजाइन देखना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे फ्रंट स्क्रीन आती है, सिलेक्ट योर पार्टी, जिसको भी आपने वोट कास्ट करना है, एक ठीक है। स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ है, आपके पास एनोटेशंस अवेलेबल है, आप बनाएं उसको। हम जस्ट आपका मतलब देखना चाह रहे हैं कि वो क्या वो होगा, ठीक यहाँ है? पे ऐसे डिफरेंट आ बिल्कुल गई ऐसे में आपकी। आपके पास जो सिलेक्ट वाला है ना, वहां पर टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट का आ रहा होगा एनोटेशन में, अगर आपके पास भी सेम माउस एनोटेशन, माउस तो वहां पर जाके आप इसको डब्बों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतनी डेप्थ में ना जाएं, जस्ट अपे लेआउट थोड़ा सा समझा दें। चलो, अच्छा ठीक हो गया। ये फॉर एग्जांपल डिफरेंट पार्टीज आ गई जो भी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ठीक है, यहाँ यूजर्स, ये फ्रंट स्क्रीन हमें कंसीडर कर लेते हैं कि ये फ्रंट स्क्रीन सी होगी एन जब आई सी की भी वो ऑप्शन रखनी है आपने अंदर, बताता हूँ। अच्छा, एक एक ही स्क्रीन पे सब स्क्रीन रखनी है, बनानी है, एक ही बिल्कुल है। एग्जैक्टली।
ऐप पे एक स्क्रीन मतलब चाहिए स्क्रीन होगी, नेविगेट ना करे, जैसे यूजर वोट पे क्लिक कर देगा ना नहीं तो स्क्रीन वो, नेविगेट तो नहीं करेगा, कोई स्क्रीन नेविगेशन का नेविगेट चक्कर नहीं है जनाब, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजर यहाँ पे कहीं पे वोट की बटन होगा ना, तो जैसे एक पर्सन ने अच्छा वोट क्लिक ऐसा, कर लिया ना, एक सेकंड अच्छा शायद, तो जैसे यूजर ने वोट पे क्लिक कर लिया, तो जैसे हमने इसकी वो डेवलपमेंट के अंदर लिखना है कि वो सारा कुछ अगेन रीसेट कर देगा, लेकिन स्क्रीन यही है जी शायद। यार मैं ये सोच रहा था अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा ना हो तो सीएनएसी कैसे लिखे अपना, जस्ट उस अभी आईड उसमें नहीं जाती, ये गवर्नमेंट के मेरे स्टैंडर्ड हाँ है, उस गवर्नमेंट को हमें बताना चाहिए ना कि उर्दू में करना है साथ साथ के नहीं, लेकिन अभी हम ऐसे आई लोगों थिंक को कहते हैं। स्टार्ट में ना, मैं थोड़ा सा बता, जी जी आई थिंक स्टार्ट में ना फर्स्ट पेज में होना चाहिए एक थंब इम्प्रेशन, ठीक है, और वो स्कैन होना चाहिए, उसको पहले थंब इम्प्रेशन से स्कैन करें, उससे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाए, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज के जो पायसन बता रहे हैं ये होना चाहिए इसमें हाँ ये सिलेक्ट। आइडिया हो सकता है, ये आइडिया हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन उधर से नादरा से एक्सट्रैक्ट कर ले आपकी आपकी थंब ठीक पे है या जिस तरह भी थम होगा। से चला गया ना, ठीक है सीएनआईसी पे, लेकिन सीएनआईसी का बना दो, उसका शनाख्ती कार्ड खुद ही आ गया नंबर यहाँ पे, चलो तस्वीर भी फिर आ गई, पार्टी सिलेक्ट तस्वीर भी आनी करके चाहिए, ये सारा तस्वीर भी कुछ, जरूरी है, तस्वीर भी आनी चाहिए। चलो वो फिर अगर नादरा से एक्सट्रैक्ट करना है तो नादरा से एक्सट्रैक्ट हो जस्ट जाएगा दिस इज सारा अ डाटा। ब्लू प्रिंट ना, देखा अभी ये हाँ सिर्फ ब्लू प्रिंट आया, वैसे अच्छा तो हम वो इसको पार्टी बनाएंगे। सिलेक्ट करेगा, वो पार्टी सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद उसकी सिलेक्टेड पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक कहाँ पे है, आप तो ये बनाए ना, सारा। हमें बना के दिखाए यार। अच्छा एक मिनट एक ठीक मिनट, आप तो वो जेनी तौर पे कंपोनेंट्स रेडी करते जा रहे हो और हमें जस्ट बताते जा अच्छा रहे उसने हो। पार्टी सिलेक्ट की तो अब इसको मैं रिमूव नहीं करने लगा, ये सारा कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है उसकी ठीक फॉर है एग्जांपल सिलेक्टेड पार्टी यहाँ पे आ गई और बाकी सब कुछ डिसमिस हो जाएगा, ये जितनी भी पार्टी है उसकी सिलेक्टेड पार्टी यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, ठीक ठीक है, है वो सिलेक्टेड पार्टी। उसके बाद वो यहाँ पे दो इनपुट टेक्स्ट या एक कह लो के एक इनपुट टेक्स्ट होगा यहाँ पे, एक मिनट, सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे उसके ऑप्शन आएगा एंटर योर सीएनआईसी। नहीं, हम चाह रहे हैं बेसिकली कि लिखा हुआ आ जाए उसका सीएनआईसी नंबर, उसकी पिक्चर डिस्प्ले हो जाए उसके थंब प्रिंट, उसके साथ थंब प्रिंट के साथ इस तरह कह लेते हैं कि यहाँ पे एक लेफ्ट मिनट साइड पे जो आपने जगह छोड़ी है मेरे ख्याल से वहां पे होना चाहिए, सीएनआईसी एक मिनट, आ जाए ऊपर और नीचे उसकी पिक्चर आ जाए, नाम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है और हम एक इसको मिनट एक देखते हैं कि जैसे वो वोट पे क्लिक करेगा ना, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन वही थंब वाली अगेन रीसेट होगी, जैसे एटीएम पे नहीं होता कि जैसे आपने पैसे विड्रॉ कर लिए तो अगेन वही स्क्रीन जो इनिशियल होती है वही दोबारा आ जाती है, स्प्लैश कह लें उसे जो मर्जी कह लें। ठीक है यहाँ पे वो स्कैनर चल रहा होगा जहाँ पे वो अपना थंब प्लेस करेगा, ठीक है ठीक है, और उसके बाद जब थंब प्लेस कर लेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इसको यार एक मिनट, आप ऊपर ये अरेजर समझ के लो कि ऑप्शन एक ही से स्क्रीन, अरेज भी कर सकते हैं, जी, ये समझ लो एक ही स्क्रीन है टैबलेट की, ठीक है, ओवरऑल एक मैंने एक स्क्रीन आपको बना के दी, उसके अंदर आपके सारा लेआउट होना है। ये एक ही है, चलो उसे कंसीडर कर लो, ये फॉर एग्जांपल ये मेरी टैबलेट की स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जब थंब प्लेस कर लेगा उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा उसका नेम वगैरह, जेंडर, सीएनआईसी, और साथ में उसकी तस्वीर आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ठीक है आ गई। और यहाँ पे आ जाएगा अब जो उसने सिलेक्टेड पार्टी सिलेक्ट ऑलरेडी कर ली है यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा, वो जैसे ही कास्ट वोट पे क्लिक करेगा या अपना वोट कहाँ पे है कास्ट कास्ट करेगा वोट, जहां पे ऑप्शन होगा ना कास्ट कर वोट, देखिए ऑप्शन तो इसके अंदर आपने बनानी है, टैबलेट के अंदर और कोई बटन तो है नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। एक मिनट यार इस तरह कह लो ना, एक मिनट, ठीक है देखिए ना, लेआउट हम समझना चाह रहे हैं कि आप कैसे बनाएंगे। ये कास्ट योर वोट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करेगा उसका वोट कास्ट हो जाएगा और फिर से ये सब कुछ डिसमिस हो जाएगा और ये सारी पार्टी शो करने लग जाएगा, कौन ये लेफ्ट वाला एरिया खाली रहेगा, सी लेफ्ट वाला, ये जो आपने स्केयर बनाया उसके लेफ्ट पे एरिया खाली है स्क्रीन का। ये कास्ट योर वोट का नहीं नहीं जो देखिए स्केयर देखिए, है, ये वाला एरिया खाली है, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला सारा एरिया खाली नहीं है अभी।
वो मैंने टैबलेट की स्क्रीन छोटी बना दी है वो स्क्रीन तो मैंने आपको दी यूं कह लो है। ना, अच्छा यूं कह लो ना कि यार टैबलेट की स्क्रीन इतनी ही होगी जितनी आपने बनाई है, बट यह कि ये सारी चीजें कुछ साइज में बड़ी हो जाएंगी, यूं कह लो। ठीक है, जबरदस्त सेशन भाई, ये हो गया क्लियर, यार इस क्लियर तरह सारा हो गया। यार रिमूव करके दोबारा बनाए तो 5 मिनट लगने हैं। अगर करना चाहे तो जरूर करें, बाकी पार्टिसिपेंट्स को वो तो नहीं है, इतराज तो नहीं है, किसी बाकी बाकियों से पूछ लो अगर किसी ने करना है, समझ तो आ गई है। ने रिपीट करना है या किसी को इतराज है ऐसा भाई के दोबारा बनाने से तो बताएं, क्योंकि आप गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखने आए हैं मेरे साथ, तो जो बात की वेटेज मेरी है भाई आपकी भी है। नहीं ये पब्लिक है जिन्होंने वोट कास्ट करना है, इनको की प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं, ये पब्लिक नहीं है बेसिकली, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इनको अच्छा मैं गवर्नमेंट रिमूव करता हूँ ना, कोई और बना ले दोबारा, नहीं, ये क्यों ठीक बनाएंगे है? ना, अभी तो नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यही है ना, आप वो जस्ट बताने दें उनको कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्या हो रहा है, कुछ ये क्या हुआ है? भी नहीं, आपने सारा कुछ मूव कर दिया। बैक हो गया सर, बैक हो गया हाँ सर। वो तो कोई मसला नहीं, दोबारा बना लेते हैं। ये भी जस्ट अच्छा ये आप, वाली ये उसी ने रिमूव, हाँ ओके हो गया। अब आई बनाना थिंक किसी ने? इसको हाँ थोड़ा चेंज करते हैं, किसको, ये जो इन्होंने बताएं। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जगह छोड़ी थी ये ना, हो रहा है यहाँ आपके पर हम सामने एक बेसिक रेक्टेंगल शो है, जी आप क्यों रेक्टेंगल दोबारा अंदर बना रहे हैं, जब एक रेक्टेंगल मैंने स्क्रीन का आपको दिया है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक हो गए, अच्छा यूजर इंटरफेस का ठीक है पूरा ठीक मॉड्यूल पढ़ा है आपने, पूरा हफ्ता। हो गया। उसके बाद बताओ किसने चेंज करवाना? नहीं, मैंने आपने चेंज जी करवाना था। सब नहीं वो सबसे वाला ऊपर जो ठीक है, वो टाइटल सारी होगा ना, समझ आ गई है, वो सारी समझ आ गई है, मतलब जैसे इन्होंने बनाया जो उनका थीम था ना वो समझ आ चुका है। अब उस थीम में ना थोड़ी चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, जी करवाएं। तो यह कि सबसे ऊपर जो है ना बिल्कुल एक हेडिंग शो हो रही हो जिसपे ना एक लाइन चल रही हो, अक्सर हमने देखा ना वो चलती होती है एक ही हेडलाइन लाइन बार बार रिपीट, हाँ वैसे ही ऊपर टॉप पे और बॉटम पे वो लाइन हो, और जो लेफ्ट साइड पे आपने छोड़ी थी ना जगह उस मैं जगह लिखा पे, क्या वो होगा? तो अब बाद में डिसाइड कर लेना, अब जरूरी तो ना सारा कुछ हमने लिखा हुआ, हम वैसे ही एक लाइन लिखा देते कि मींस यहाँ पर जो भी टाइटल होगा जो हमें बताया जाएगा वो लिखा होना चाहिए, यहाँ हमें वो भी बतानी है लाइन। नहीं, जरूरत नहीं है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं इसमें हम कोई भी लिख सकते ऊपर हैं कि अब अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, या जो हमारी एक लाइन होती है पाकिस्तान का मतलब क्या, तो इस तरह करके कोई भी, हम एक ऐसी थोड़ा लाइन सा जैसे चल रही हो, थोड़ा इंटरेक्टिव लगना चाहिए ना। ठीक यूनिक करके बंदा लिखे सिलेक्ट टू इलेक्ट। हाँ इस तरह भी हो सकता है ना। नहीं वो हमारे तो पास आप ऐसे करें, वो देखो हमारा राइटर डिसाइड करेगा, अभी हम जस्ट ब्लूप्रिंट डिसाइड कर ले उसका, ठीक है अच्छा ये ठीक पार्टी हो गई, वो आपकी हेडलाइन हो गई। है, जस्ट लिख दिए नहीं अभी क्या, पार्टी आप इधर नाना बनाए, नहीं वो तो बन रही है ना, ठीक है आप वो तो ऑलरेडी डिसाइड उनका हो गया ना। ना, मैं मिस फिरदौस आशी के पास आपा को अच्छा कहना चाहूंगा कि वो पहले आप डिजाइनर का डिजाइन पूरा होने दे, देन आप उस पर चेंजिंग कर दे, ठीक है। अच्छा नादरा का जो डाटा है वो किस बेस पे एक्सट्रैक्ट होगा? जस्ट उसने गूगल पहले क्या वो इंटरफेस आपने है तो फिंगरप्रिंट वाला अंदर नहीं लगाना, जस्ट वो पहली एक हाँ स्क्रीन ठीक होगी है जिसमें वो फिंगरप्रिंट लगा के आ गया हुआ है, इस ये स्क्रीन उसके सामने तब आई है जब उसने फिंगरप्रिंट लगा दिया बिल्कुल। है, लेकिन आपने इस पे शो करवाना है उसका नेम CNIC और उसकी फोटो जो उसके पास नादरा में है, ठीक है, और उसकी एज, एज ठीक हो कह रहे हैं, गया। एज कह रहे हैं वो भी होनी चाहिए। अच्छा अगर ये सारी पार्टीज को इस तरह शो करने के बजाय स्वाइप की फॉर्म में शो किया जाए, मतलब एक पिक्चर हो उसको स्वाइप करके ऊपर नीचे किया जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से जो यूजर की इन्फॉर्मेशन है ना, वो तो डेवलपर पे जो डिपेंड करता है शहरी ना। की इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर आनी चाहिए पार्टी सिलेक्ट करने से। जी यही मैं कहना अच्छा कहने लगी थी लेकिन फिर आपने, ऊपर कर लेते हैं, नहीं वो कोई नहीं मसला नहीं। ऊपर की बजाय अगर एक साइड पे हो जाए ना, वो जो साइड पे पूरी इंफॉर्मेशन तो ऐसे कंप्लीट हाँ बिल्कुल ब्लॉक। ऐसा भैया, पता क्या करें
कि जो लेफ्ट वाले दो तीन ब्लॉक्स है ना उसके जी सिलेक्टेड पार्टी के, वहां पे हाँ बिल्कुल इस तरह यूजर इन्फो आनी चाहिए, वो लेफ्ट से खत्म करें ना, आप राइट से खत्म करने बैठे। यार, इसको अंडू नहीं होता, हो जाता, अंडू हो उधर से होगा ना, आप रेजर से रेज कर गया रहे हो गया हो गया यार। इसका सिलेक्शन वाला टूल कौन सा, माउस तो नहीं है? नहीं, बाउंस नहीं होगा, सिलेक्शन वाला टूल लगा होगा। यहाँ पे तो कोई सिलेक्शन का टूल नहीं है, ड्रॉ स्टैम्प एरो इरेजर फॉर्मेट सिलेक्शन टूल कोई भी नहीं है। टेक्स्ट के लेफ्ट पे होता है बेसिकली, माउस वो माउस ही है से कि करके टेक्स्ट के देखिए, लेफ्ट? अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा ना तो आप अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेना, लेकिन अभी इसको कर ले जैसे भी करना है, टाइम ओवर हो रहा है। मैंने एक दो चीजें अच्छा, और कहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए फिर? यहाँ जस्ट लेफ्ट पे, आप बनाए जस्ट, ये जहां आपने यूजर इन्फो लिखा ठीक हो गया, यही कहना था। मैं ना अपने हुकूमती बाकी दो नुमाइंदों पे तीन नुमाइंदों पे ना इस बात को डिपेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा अल्लाह लोग इंसान हूँ, मुझे कोई भी डिज़ाइन पसंद आ जाएगा, सिर्फ वोट इंसाफी से होना चाहिए, तो आप बनाए डिज़ाइन ठीक है। अच्छा बताएं कहाँ पे होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन? ठीक ये जहाँ पर आपने पहले लिखी थी वहीं पर होनी चाहिए। है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये नेम आ गया ऊपर नीचे सी एन आई सी, उसके बाद उसकी एज आ गई और नीचे एक तस्वीर का बना दें, आई थिंक तस्वीर का ऊपर ना बनाया, ये जो ऊपर ऊपर ही होना जो चाहिए कॉर्नर की यूजर जगह इन्फो सी से वाली है, ऊपर, यूजर ऊपर ही होना इन्फो से चाहिए। ऊपर तस्वीर सबसे ऊपर आनी चाहिए थी। यार चलो यूजर इन्फो लिखने जितने की भी हैं जरूरत वो ही नहीं तो ना, यूजर वो इन्फो तो लिखने मैंने की वैसे ही जरूरत बताया ना। ठीक है आप लेआउट पूरा कर ले, अच्छी बात है, इसको पूरा करे ना फिर। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा ऑप्शन कास्ट योर वोट का, ऑप्शन कहाँ पे रखना चाहिए कास्ट योर वोट का? ये जो इधर ही बाकी रखना सारी चाहिए जगह खाली है इसमें सबसे पहले जैसे आपने पहले किया था कि जो हमारी सिलेक्टेड पार्टी होगी उसका मतलब कि ये, वो बाकी जो जगह ब्लॉक शो हो खाली रहा है होगा। ना, मेरा ख्याल है कि वहां पे हम 5,000 का नोट शो कर दें ठीक है, और किसी पार्टी की तरफ इशारा कर दें। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद ये होगा कि जब यूजर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है वो यहाँ से पार्टी सिलेक्ट करेगा, ये बाकी पार्टीज डिसमिस हो जाएंगी और उसकी, या मैं बताता हूँ, ये सारी पार्टीज डिसमिस हो जाएंगी और उसकी सिलेक्टेड पार्टी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट कास्ट योर वोट। ऐसे, और यहाँ पे वो होगा ऐसे बना होगा जो भी होगा, ठीक है कुछ ठीक इस है तरह सही से। है। हाँ जी ठीक है, वजीर और वो किसी को प्रॉब्लम है तो सारे इंटरफेस अपना अपना बना लेना। नहीं, अपना अपना क्यों बनाए, आपको पैसे दे के हमने वोटिंग सिस्टम बनवाना है और हम अपना क्यों बनाए इसका पहले। यहाँ पे ना मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, अभी आप इसको खत्म ना करना है भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा जी हूँ जी दिस डिजाइन इज डिजाइन बाय एस एन फारूक ठीक ओ है, तो यार ना इसका लिखो यार, लोग हंसेंगे। नहीं, मैं इसको सेफ स्क्रीन छोड़ लेना, बेसिकली मैं ड्राइव पे बनाया था तो याद आने के लिए ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर रहा हूँ ठीक हो गया जी। अब दूसरी जो ठीक चीज, है, ये तो हमने वोटिंग सिस्टम का देख लिया पूरा, किसी को कोई इतराज नहीं है, मतलब ऑर्डर आपका पक्का है ठीक है, लेकिन अभी भी तैयार है ना, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो हम किसी को भी कभी भी पकड़ सकते हैं ठीक है। उसके बाद मैं बेसिकली जो पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं बेसिकली जो शेयर करना चाह रहा हूँ या आपसे शेयर करवाना चाह रहा हूँ, देखो ऐप डेवलपमेंट का कोर्स हम लोग कर रहे हैं मिलकर ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड क्या में मस्ट ऑप्शन जी करना, तो क्या क्या आपके जेहन में आइडिया आता है कोई ऐप के वाले से कि आप क्या बनाएंगे, मतलब फ्रीलांसिंग और जॉब से एक्सेप्शन में बात करनी है, फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग तो एक मेजर मार्केट है आगे और जॉब भी है, लेकिन मैं थोड़ा एक्सेप्शन केस जानना चाह रहा हूँ आपके मतलब ब्रेन की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो क्रिएटिविटी है ना उसके वाले से, कि क्या मतलब कौन सा आइडिया आपके दिमाग में जन्म लेता है कि जो आप कहते हैं कि ये बनाया जा सकता है मार्केट में, कोई भी ओपनली 2 4 6 7 लाइनें बोल कोई ऐसी एप्लीकेशन जो दे। ये भी बोल रहे हैं डिफरेंट हमारे साथ एहसन फारूक भाई, ठीक है तो रिकॉर्डिंग में चुके नहीं पता लगेगा ना क्या, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी चीज शो कर देता हूँ जिससे रिकॉर्डिंग में पता लगे, या मैं यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ गैलरी को, ठीक है। तो जो मैंने व्यू चेंज किया ये आपके पास भी चेंज हुआ है? व्यू कौन सा ठीक है ठीक हुआ है है ठीक चेंज? है ऐसा भाई आप बताएं मुझे क्या आप कह रहे थे। यार यूँ हो सकता है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसमें वर्ल्ड के जितने भी टॉप के न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी हैं और हाइलाइट्स या हेडलाइंस कह लो, वो उस एप्लीकेशन में अप टू डेट होती रहे एवरी एवरी आफ्टर एवरी और कह लो, या जितना भी हम टाइम सेट करते हैं, ताकि अगर कोई न्यूज़ चैनल नहीं भी देखता, मोबाइल से ज़्यादा उसकी अटैचमेंट है तो वो उस मोबाइल एप्लीकेशन में वो लेटेस्ट न्यूज़ देख सके, ठीक यूं कह है, सकते हो। मतलब आपने कहा कि सारा न्यूज का एक ग्लोबल विजन एक एप्लीकेशन में बन जाए, मैं कहता हूँ कि इस तरह की और एप्लीकेशंस हैं जो आपको न्यूज दे रही हैं बेसिकली पेज हैं, तो हो विल यू हाँ डिफरेंशिएट शायद पढ़ी योर हो। योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्रॉम दी अदर जिनके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी मार्केट प्लेस हो गई है, तो कैसे अपनी एप्लीकेशन को आप ट्रैफिक देंगे ज्यादा अच्छे वाली? यूं कह सकते हैं कि उसमें पास वन और का या पास टू और की हेडलाइट वीडियो की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई कंसेप्ट होगा किसी के पास, या हो मे भी हो डिफरेंट एप्लीकेशन में पास ये वाला रखा हो किसी ने। ठीक है शायद अच्छा आई थिंक ऐसी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें ना हम कर सके डॉक्टर्स को, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्ज किया किसी को कोई इमरजेंसी आ जाती है किसी जगह पे या हादसा हो जाता है, तो 112 तो है। उसके अलावा अगर इमरजेंसी उस एरिया के अंदर, जैसे ये ऊबर वगैरह में होता है ना, इस तरह से उस एरिया के अंदर अगर कोई डॉक्टर हो तो उसको हम जो है ना कर लें, चेज कर लें उस तरह से। ऑलरेडी शायद ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल है जैसे ओला डो क्या है, या जैसे कह लो कि हमारे पास हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जैसे जी, आ रही है मान लो हमारे पास आपकी? आ ऑलरेडी रही है वो? उसकी नहीं ऐसी आ रही। एप्लीकेशन है ओला डो के, हमारे पास मरहम डॉट पी के है, तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी बड़ी ज्यादा एप्लीकेशन काम कर रही है जिनके पास बड़ी अच्छी मार्केट प्लेस है और अपने आप मतलब पूरा एक सिस्टम है उनके पास, तो हो विल यू बेसिकली डिफरेंशिएट योर एप्लीकेशन योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्रॉम दी अदर मोर ऑन एडवांस एप्लीकेशन जो ऑलरेडी मार्केट में है, कैसे करेंगे आप? यार असल में मुझे उनका पता नहीं है, शायद अगर पता होता तो मैं डिफरेंशिएट कर देता। ठीक है भैया उनमें वो क्या है मुझे अगर आप बताओ तो शायद मैं एग्जैक्टली बता सेम वही सकूं। चीज़ है जो आप बता रहे हैं, एमरजेंसी डॉक्टर्स और कहाँ कहाँ पे लोकेशन वाइज डॉक्टर्स, ऑनलाइन कंसल्टेंसी सारा कुछ है, ठीक है तो आप उनके बारे में लास्ट भी देखता दैट आर वेरी मतलब अच्छी सर्विसेज है, लेकिन लोगों को उनकी ज़रूरत ना पड़े। मैं चल रहा हूँ महानूर मलिक साहिबा की तरफ और मैं महानूर मलिक साहिबा से पूछूंगा कि उनके जेहन में ऐसा कौन सा लास्टिंग आइडिया है जो कि एक डेवलपर के माइंड में एज अ क्रिएटिविटी के तौर पे प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से होना चाहिए। जी महानूर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आई थिंक जो मेरा वो मुझे पता नहीं हो सकता कि नहीं, लेकिन ये है कि मेरा बेसिकली ना जैसे गूगल प्ले स्टोर है ना, मैं चाहती हूँ वैसे सारी जितनी भी जो ऐप्स आती जाए ना वो मेरी ऐप के अंदर से जाके लोगों को मिले। ठीक है, या कोई ऐप स्टोर बनाना चाह रही है आप, ये हम सुकून जी रहे हैं। मतलब ऐसा होना कि मतलब जो गूगल पे भी ना किसी को मिलती हो वो मेरी ऐप के अंदर आए तो उनको मिल जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्ले ऐप स्टोर्स हैं, हर मतलब मोबाइल कंपनी ने भी अपना अपना मतलब बनाया मोबाइल ओएस इनका है, ठीक है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्यों लोग आपकी ही स्टोर पे आके एप्लीकेशंस को लेंगे जबकि बड़ी बड़े बड़े दुनिया में नाम मौजूद है?
ऐसा ना, बेसिकली मैंने अभी सोचा नहीं है। ठीक है इस तरह हो सकता है कि दूसरे ऐप स्टोर से जो पेड एप्लीकेशन है उनको परचेज करके अपने ऐप स्टोर में फ्री रख दो। ठीक हो, नहीं इतना कादा स्यापा दैट विल क्या, बी इलीगल एट सम एक्सटेंट अगर आप ये बात कर रहे हैं तो। नहीं हमने तो परचेज की हुई है ना, ठीक है, सही हो हमारे पास गया, लाइसेंस है। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अब मेहर यूनुस हैं, आप कनेक्टेड हैं मेहर हमारे साथ? मेरे पास जो शोर है ना, आपका माइक नहीं कनेक्टेड, और शायद आपने वैसे ज्वाइन किया हुआ था, इतनी कि आपको मजबूरी ज्वाइन करने की। सही हो गया। अच्छा, हमारे साथ अब जो हमारा तीसरा जो जन्म लेने वाला सवाल है ना, बड़ा ज्यादा, मतलब अभी जो जैसे ई कॉमर्स और हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग इस तरह का जैसे जैसे दौर दौरा बढ़ता जाए, किसको आइडिया ना ई कॉमर्स का? जिनको नहीं आइडिया वो बताए मुझे ई कॉमर्स की चीज है, नहीं पता अगर उनको तो। ई कॉमर्स का पता है जैसे ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज, जी, ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे पास ये मतलब ये जो COVID-19 और ये जो सारा आगे आगे डिजिटल जो रेवोल्यूशन आ रही है ना, उसके अंदर ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी मार्केट है जो आगे कवर हो रही है। ठीक है, उसके अंदर मैं बेसिकली मतलब एज अ क्लाइंट, और यू आर द टीम ऑफ डेवलपर्स मेरे सामने जितने आप लोग बैठे हुए हैं, आई एम अ क्लाइंट एंड आई एम रिक्वायरिंग एन ई कॉमर्स है बेसिकली, और आपकी टीम पे आपकी कंपनी में मैं आया हूँ, और आप तीन चार जितने मेरे सामने लोग हैं डेवलपर्स हैं, तो क्या आपके सामने क्या रिक्वायरमेंट्स को लेंगे ई कॉमर्स के हवाले से? क्या आपका फर्स्ट स्टेप्स होंगे जो आप मुझे एप्लीकेशन बना के देंगे? रिएक्ट नेटिव की स्किल है आपके पास, और मोबाइल डेवलपमेंट के आप शहनशाह हैं, मलका है यहाँ पे एक और दो शहनशाह हैं जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं, तो क्या आप मुझे मेरे से रिक्वायरमेंट्स क्या लेंगे? कैसे आप, क्या आपका जेब में चल रहा है कि ई कॉमर्स ऐप आप मुझे बना के देंगे और मैं ऑन गोइंग लाइफ टाइम आपसे मेंटेनेंस भी मांग रहा हूँ? जी आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और ब्ला ब्ला बाकी दो भी हैं उनसे भी पूछ लें आप। और अच्छा ठीक एक है, और एक ई कॉमर्स में मैंने एक रखा था आइडिया, वो ये था कि हम ऑर्डरिंग सिस्टम की कोई एप्लीकेशन, वैसे तो बेशुमार है, अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें एक ये कॉन्सेप्ट ऐड हो सकता है जो डिफरेंशिएट कर सकता है कि आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसके ना डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट फूड कैटेगरीज में, आप जो भी, फॉर एग्जांपल एक फूड कैटेगरी जंक फूड की है, उसमें से अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी प्रोफाइल में इतने पॉइंट्स ऐड हो जाए, अगर किसी और कैटेगरी में से करते हैं तो इतने पॉइंट्स ऐड हो जाए। वो टोटल पॉइंट्स का एक बजट रखा होगा कि इतने पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप कोई भी फ्री चीज फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक यूनिक चीज हो सकती है पॉइंट्स देखिए कलेक्ट करने की। इसका ये होगा कि उनकी ऑडियंस भी बढ़ेगी, जिसकी जिनकी एप्लीकेशन हमने बनाई है वो इस तरह से बढ़ेगी कि लोग नहीं, पॉइंट्स के देखिए चक्कर। मैं फर्स्ट टाइम आपसे ऐप बनवाने हैं, वो अगर आप ये बातें मुझे पहली दफा सुनाएंगे ना, तो मैं जस्ट क्या करूँगा कि आपके जो आपके पास जो कंपनी है ना, उसकी वॉशरूम सर्विस यूज करके तो चला जाऊंगा, मैं आपसे ऐप नहीं बनवाऊंगा। आपने मुझे क्या करना है, इनिशियली प्रपोजल देना है मुझे कि हम क्या आपको बना के दे रहे हैं, कैसे बना के देंगे, उसमें क्या क्या चीजें आप रखेंगे और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स का जो दौर दौरा है ना, तो मैं आपसे एक एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा हूँ, और आप आगे से मुझे वो सुना रहे हैं नहीं नहीं पॉइंट्स मैं वाला, आइडिया बता रहा था। वो आइडिया तो हम आपसे आइडिया वाले राउंड में लेंगे ना, अभी मैं आया ऐप बनवाने आया हूँ। जी देखिए, आप जी आप तो इतना कह के चुप हो जाएगी, फिर तो नहीं मैं ऐप बनवाने वाला। जी यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेंगे ना, फॉर ये एग्जांपल आप कोई ऐसे भी अगर इसकी बॉस होंगे कंपनी। ना एहसन भाई, तो एहसन भाई आपको महनूर को कंपनी से निकाल देना चाहिए, ये क्लाइंट से बात ही नहीं कर पा रही सही तरह। नहीं तो मैं भाई आपसे मैं पूछूंगी ना, आपको किस तरह पहले की ऐप ट्रेन करूंगा चाहिए? फिर ठीक है निकालूंगा। जी, आप मेरे से पूछेगी आपको किस तरह की ऐप चाहिए? मुझे एक ई कॉमर्स ऐप जी चाहिए मैडम, कोई जिसपे मैं अपनी ऑनलाइन सेल परचेज कर सकूं, और उस पे क्या हो कि डिफरेंट सेलर्स हो, डिफरेंट बायर्स हो, ये मैं आपको बताता चलूंगा। आपकी इनिशियल क्या मतलब उस पे मूविंग फॉरवर्ड होगी, आपकी टीम कहाँ से काम करना शुरू करेगी, क्या करेंगे, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरा नुकता वो है बेसिकली कि आप कहाँ से काम शुरू करेंगे मेरे प्रोजेक्ट पे।
आई थिंक हम पहले ऐप का इंटरफेस डिस्कस करें। ठीक है, वेरी नाइस, ऐप का इंटरफेस डिस्कस किया। तो उसका पहले एक जो हमारे माइंड में जैसा ब्लूप्रिंट बन रहा होगा वो बना के आपको दिखाएंगे कि अच्छा ये इस तरह होगा, ठीक यहाँ है, से ये डन, सेलर्स होंगे, ये बायर्स होंगे, और इस तरह ये वो आपस में कम्युनिकेट ये करेंगे। वाला ओवरव्यू था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप इंटरफेस बनाएंगे और आपका कहाँ से काम स्टार्ट होगा, मैं नहीं, तब क्लाइंट से से। डिस्कस करेंगे ना, क्लाइंट को ठीक दिखाएंगे ब्लूप्रिंट के इस तरह से होगा, है और वो ठीक है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस जबरदस्त करवाना चाहता है तो जबरदस्त वो करवा जबरदस्त, ले कि नहीं ये ठीक ऐसे हो, नहीं वैसे होगा, मुझे ऐसे जबरदस्त। चाहिए। अच्छा हमारे पास ना कुछ फेसबुक की मीटिंग है पोस्ट दोनों होती है, वाली। उस कितना टाइम है हमारे पास? है अभी 3 से 4 मिनट। 3 मिनट। अच्छा ठीक है, 3 मिनट है हमारे पास, और टाइम भी 10 बज गए। ठीक है, तो आप बेसिकली हम लोग का आज का सेशन कैसा रहा ये बता दें, टाइम तो नहीं जाया किया। आज तो अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। बाकियों को जो रिकॉर्डिंग को देखेगी उनके लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।